ताज नगरी आगरा की खैरागढ़ तहसील क्षेत्र के बस्सी निवासी नौसेना जवान हरीश सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव इंडियन नेवी के अधिकारी लेकर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ शव यात्रा में समूचे क्षेत्र के नागरिक और तमाम राजनेता अधिकारी मौजूद रहे। देर शाम को उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया। बता दें, सैन्य सम्मान के साथ नौसेना के जवान हरीश सिंह का पार्थिव शरीर लेकर इंडियन नेवी के अधिकारी आगरा एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे, जिसके बाद आगरा के खैरिया एयरपोर्ट पर प्रशासन अधिकारी पहुंच गए और आगरा से लेकर गांव की ओर निकल गए। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सैया पहुंचे हजारों की संख्या में पैदल ग्रामीण शव यात्रा में शामिल हुए। सैन्य अधिकारियों के साथ पैतृक गांव में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने शव यात्रा का जगह जगह भारत माता की जय के नारों के जय घोष के साथ पुष्प वर्षा की। पत्र गांव में पार्थिव शरीर को लकड़ियों की सजाई चिता पर रखने से पहले पुष्प चक्र चढ़ाकर सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नौसेना जवान के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उसके छोटे भाई विष्णु ने नम आंखों से दी। इस दौरान उपस्थित जनसमूह की आंखों से आंसू छलक आए। नौसेना जवान के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जनसमूह को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। मंत्री राजा हरिदमन सिंह, श्याम भदौरिया, सत्यदेव दुबे, दिनेश गोयल, सुधीर गर्ग, गुड्डू आदि उपस्थित रहे। क्या बताया तुमने? वो एक्चुअली ये बताया था इसका क्यों है। आप पार्थिव शरीर से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सरकार से क्या कुछ डिमांड? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। शरीर का दर्द भी है? हाँ सही, पार्थिव शरीर आज सुबह ग्यारह बजे आ गया था। अंतिम संस्कार हुआ।